Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning presents Top 10 Questions of Polity. So friends, जैसा कि आपको सभी को पता है, आज है Wednesday और Wednesday को हम 10 important questions Indian Polity के cover up करते हैं और कुछ एक ऐसे basics question, basic के questions हैं आज जो कि आज हम discuss करने वाले हैं और आपके लिए बहुत important है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सही answer करेंगे. Questions को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना आज आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, जब तक आंसर अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है, ये एक हैबिट होती है अपनी. अगर हम यहाँ पे गलत आंसर तुक्का मारते हैं तो पेपर में भी हमारे ऐसी आदत बन जाती है और पेपर में भी फिर हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं तुक्का मारने से, ठीक है? तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए और जो बेकार ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करिए और जो बेस्ट ऑप्शन है उनमें से आंसर पिक करिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज सभी आंसर सही करने की कोशिश करेंगे. पहला सवाल बड़ा आसान है आपके लिए. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन हैव बीन, तो भारतीय नागरिकों को मूलभूत कर्तव्य किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो देखिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इंडियन पॉलिटी के अंदर जो अमेंडमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा अमेंडमेंट से देश को क्या नई चीज़ मिली है. ओके, ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए. अब देखिए, यहाँ पे मैं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, ठीक है? आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को, एंथम को, ओके, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस फॉलो करना, कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना, सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफेंड करना अपने देश को जब जरूरत पड़े, नेचुरल रिसोर्स को तरीके से यूज़ करना. इस तरीके से ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है. और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है, सी सही आंसर किया है, और बिल्कुल सही आंसर है. 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमें मिली है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? कौन से मॉडल से अपन ने इसको अपनाया? सोवियत यूनियन मॉडल से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है? दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है. और कहाँ पे ऐड करी गई? आर्टिकल 51A के अंदर ऐड करी गई, ओके? और कौन सा पार्ट है वो? पार्ट 4A है वो. तो ये सारे ही अपने आप में क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट, कौन सा आर्टिकल, कौन सा ईयर और कौन सा कंट्री, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इनरेगुलरिटीज, ठीक है? और यहाँ पे राहुल चौधरी जी बोल रहे हैं कि पूरा एक वीक का जो है वो एक साथ वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्कुल राहुल जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो 100 क्वेश्चंस का एक साथ, पिछले जो 10 वीडियोस हैं उनका एक साथ मैं आपके लिए एक सिंगल वीडियो लेके आ सकूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए उससे अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इनरेगुलरिटीज. तो देखिए, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने गवर्नमेंट के अंदर, और ये सभी डिपार्टमेंट क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते ही करते हैं, ओके? और इनके खर्चे के अंदर इनरेगुलरिटीज़ भी हो सकती है, हो सकता है वो ज़्यादा खर्च कर दें, हो सकता है वो कम खर्च करें, ठीक है? तो इन सभी को देखने के लिए एक वॉचडॉग बनाया हुआ है. ये वॉचडॉग कौन है ये आपको बताना है. और यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ओके? लोगों की पॉलिटी बहुत अच्छी हो गई है और आपके जो नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसमें अगर आप ये क्वेश्चन इजीली पिकअप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं और आप बहुत अच्छा, आपका लेवल हो चुका है ऑलरेडी, जिसने पिछले 2-3 महीने से, जब हम लगातार 4 महीने से लगातार पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं हर वीक में, तो आप बहुत अच्छा पिक करने वाले हैं और कभी भी गलत नहीं करेंगे पॉलिटी के अंदर, ठीक है? तो आंसर बिल्कुल सही है, सी सही आंसर है. पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका काम क्या होता है देखना कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, कमेटी के अंदर सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ओके? उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, ऑडिट करने का इनका काम होता ही है. क्या होता है, ड्यूरेशन 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, टेनोर के लिए बनाए जाते हैं. और स्ट्रेंथ कितनी होती है इनकी? 22 लोगों की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ओके? चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करेगा और वो हमेशा अपोजिशन लीडर ही होगा, ओके? अभी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है राइट नाउ? हेड है पीएसी कमेटी के, ओके? मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए, याद रहेगा आपको, खड़गे, ओके? ये वो पर्सन है जो कि राइट नाउ हेड है कमेटी के 2017 के अंदर. उसके अलावा कमेटी, एक्सट्रीमेट कमेटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में, और लोकसभा से ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है, और सारे एक साल का इनका इनका भी टेन्योर इतना ही होता है, और कोई भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता है। ओके, वैसे ही पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने होते हैं, इसमें भी 22 ही होते हैं, 15 तो लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसमें भी कोई मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता है और एक साल का इनका टेन्योर होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा है शुभम जी ने, अर्लियर इट वॉज थॉमस। ओके, और आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर कई तरीके की कमेटीज़ होती है, बहुत तरीके की कमेटीज़ होती है। इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, दो पार्ट्स में होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। ओके, ये दो तरीके की कमेटीज़ होती है। स्टैंडिंग कमेटी देखिए फाइनेंशियल मैटर्स पर बनाई जाती है, स्टैंडिंग कमेटी पे रिलेटेड बनाई जाती है, और बाकी दूसरे मैटर पर बनाई जाती है। ओके, तो कई सारी तरीके की पार्लियामेंट कमेटीज़ आप देख सकते हैं, कंसल्टेंसी, जॉइंट सेलेक्ट, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कमिटी ऑन इंक्वायर, एडमिनिस्ट्रेटिव, और ऐसे कई तरीके के। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपका ऑप्शन में लिख रखे हैं, जो मैंने ऑप्शन में लिखे हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अमन जी का हाईकोर्ट का एग्जाम है संडे को, तो अमन जी जितने भी प्रीवियस अपने पॉलिटी के जो वीडियोस बने हुए हैं उन सबको देख के जाना बिल्कुल ना भूलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आपको जितने कई सारे क्वेश्चन नियर बाय 30-40% क्वेश्चन हैं जो कि अपने वीडियोज़ में से हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो अमन जी पिछले जितने भी पॉलिटी के वीडियोज़ हैं उनको देख के जाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। बिल्कुल सही कहा है एके पांडे जी ने, ठीक है, एडॉक कमेटी फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए एडॉक कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडुकेट मेजर फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के मुद्दे के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा। तो आपको कुल मिला के नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताना है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आपको पता होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। आर्टिकल की बात करी जाए तो 352, 356 और 360, ठीक है। एनएसएफ से भी आप याद कर सकते हैं, एनएसएफ यानी कि नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। ओके, तो फाइनेंशियल आज तक अभी लगी नहीं है, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है, और केरला के अंदर, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बार लगी है, और नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है। ओके, अब यहाँ पे आपको रीजन बताना है प्रॉपर, और डी यहाँ पे सही आंसर है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है, डी आपका सही आंसर। तीनों देखिए रीजन होते हैं जिससे क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, आर्म रिबेलियन हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर। ओके, जब 75 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी उस टाइम पे इनमें से कोई तीनों रीजन नहीं थे, इसीलिए उनकी सरकार गिर गई थी। आज तक अपन कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजन रहा है वो, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए लेकिन नेशनल इमरजेंसी की वजह से उनका काफ़ी नाम खराब हुआ आईएनसी का उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसा तीनों के अंदर ही ऐसा कोई मेजर नहीं था कि वॉर होने वाली है, एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है या आर्म रिबेलियन होने वाला है, फिर भी उन्होंने उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, घोषित कर दी, ताकि अपनी सरकार को वो बचा सकें, ठीक है, और अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, इसी ब्याह पे उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी लगाई थी और काफ़ी बड़ा इसका नुकसान भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सब्जेक्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इंक्लूडेड। तो आपको बताना है कि कौन सी लिस्ट के अंदर, आपको पता है तीन तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है, आपको पता है कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीन तरीके की लिस्ट होती है और सभी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड करी जा चुके हैं। ओके, और आपको बताना है कि जो फैमिली प्लानिंग वाला जो टॉपिक है ये एक्चुअली तीनों में से किसके अंदर लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कई लोगों ने शेयर करी है। प्राची जी ने कहा है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है वो रिमूव कर दिया गया था आर्म रिबेलियन के तौर पर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, और यहाँ पे बी लोगों का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही क्या है, पॉल्यूशन, जो पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग इंक्लूडेड है। ओके, जो जो चीज़ें जो कि ज़्यादा पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, वो सभी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड की जाती है। कुछ एक बेसिक से टॉपिक्स अपन देख लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से हो सकते हैं या है राइट नाउ। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अडल्ट्रेशन, कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, वाइटल स्टैटिक्स, लेबर वेलफेयर, पोर्ट, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, पॉल्यूशन का पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके, हेल्थ एजुकेशन, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ये सभी किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो कई बार इसमें से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी जो ये टॉपिक है, कौन सा जो ये मैटर है, ये कौन से लिस्ट के अंदर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता ही है, ठीक है. तो उनके अंदर कौन सा इसके इन चारों में से ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज है जो कि ओरिजिनली इंक्लूड नहीं करी गई थी. ओके आप देख सकते हैं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जब हम, तो पार्ट फोर्थ आर्टिकल 36-51 की बात करते हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक बेस के ऊपर बनाया गया है जेन्युइन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, ठीक है. यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, गांधीनियन प्रिंसिपल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल, इस तरीके के प्रिंसिपल के तौर पर इस पर डिफाइन किया गया है. सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल मनी, जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करना, ये सब इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो लोगों ने आंसर किया है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है. तो यहाँ पे जो लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी आपका सही है. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाद में एड ऑन किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर. ओके आपको बताइए 86 अमेंडमेंट एक्ट, राइट, जो अपन जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, ओके 2009. तो ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, बाद में इंक्लूड किया गया था. ओके और आदित्य जोशी जी बोल रहे हैं वी वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड. तो आदित्य जोशी जी ऐसे कई सारे ज्योग्राफी के वीडियोस आपके लिए आ चुके हैं, आप उन्हें देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी वर्ल्ड के बारे में और कई सारे ऐसे ज्योग्राफी के वीडियोस हैं. ओके इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर मैं एक और वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है. काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर करे हैं अलग अलग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ. ओके अब देखिए आपको बताना है कि कौन सी कमिटी किस बिहाफ के ऊपर माइनॉरिटी कमिटी, ओके, क्या करती है, बनती है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस के ऊपर कोई भी कमिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाता है. कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटीज बनती है, ओके, और आपको बताना है अगर कोई माइनॉरिटी कमिटी बनती है तो किस बिहाफ के ऊपर बनती है, ये आपको बताना है. ओके अब देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो बी सही आंसर होगा, आइदर रिलीजन और लैंग्वेज. ओके आइदर रिलीजन और लैंग्वेज, या तो रिलीजन के ऊपर या फिर लैंग्वेज के ऊपर क्या हो सकता है, कोई माइनॉरिटी कमिटी बन सकती है. ओके ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एपेक्स बॉडी है जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम को चलाई जाती है, जिसको और साथ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आपको बताइए, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट भी बनाया हुआ है 1992, आपको पता होगा माइनॉरिटी का, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट कब बनाया गया था 1992 के अंदर. ओके और राइट नाउ क्या कौन है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी जी कौन है अभी राइट नाउ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है. और अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी बनानी है तो लैंग्वेज के बिहाफ पे बन सकती है, ओके, या फिर रिलीजन के बिहाफ के ऊपर बन सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके कई सारे रिलीजन भी है जिनको माइनॉरिटी बताया गया है, हिंदुइज्म के अलावा सारे जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी है, और जैसे कि मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, उसके अलावा बुद्धिस्ट, और रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही जैन, जोरास्ट्रिज्म का मतलब पारसी, ओके, और उसके बाद जैन्स, रिसेंटली जैन लेटेस्ट ऐड करे गए हैं इसके अंदर जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर आते हैं. ओके ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके कास्ट के ब्याह पे शिवम तिवारी जी पूछ रहे हैं कास्ट के ब्याह पे क्यों नहीं, देखिए कास्ट के ब्याह पे नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट बहुत सारी है. ओके माइनॉरिटी नहीं बना सकते कास्ट के ब्याह से, आपको पता होगा हिंदुइज्म के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारी कास्ट है, ठीक है, वैसे ही बाकी जो रिलीजन है उनके अंदर ये बहुत सारी कास्ट है. अगर ऐसे कास्ट के हिसाब से बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके इसीलिए या तो रिलीजन के ब्याह पे या फिर लैंग्वेज के ब्याह पे ही बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो राज्यसभा इज इक्वल पावर विद द लोकसभा, कौन से मैटर के ऊपर राज्यसभा के पास में इक्वल पावर है लोकसभा से. ओके राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियां किन मामलों में प्राप्त होती हैं ये आपको बताना है. ओके और यहां पे देखिए चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है और आपको ध्यान रखना है कि देखिए राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स कई जगह पे इक्वल है, जैसे कि हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा जा रहा है तो दोनों के पास इक्वल पावर है. ओके
अगर इम्पीचमेंट करा जा रहा है प्रेसिडेंट का, तो दोनों के पास इक्वल पावर है, ओके और साथ में जजेस का भी अगर इम्पीचमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तब भी इक्वल पावर्स हैं, या फिर हाई कोर्ट जजेस का भी, ओके इसके अलावा और भी कैसे हैं, जैसे कि डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अगर पास करवाना है तब भी इक्वल पावर्स हैं। तो कुल मिला के ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जिसमें इक्वल पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, और यहाँ पे आपका जो आंसर होगा बी आपका सही आंसर होगा। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और आप ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लोकसभा और राज्यसभा की, ओके। ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज के बारे में आपको पता होगा, इसके अंदर राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे कि आपको पता ही है IAS है, IPS है, ओके वैसे ही AIJS बनाने की भी बात चल रही है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। अभी होता क्या है कि RGS, JJS जो हाईएस्ट जो जुडिशियल के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज, पंजाब जुडिशियल सर्विसेज यही होती है, जिसके अंदर सेशन कोर्ट के अंदर जज बनाए जाते हैं डायरेक्टली। IAS की जैसे कि IAS होते हैं, IPS होते हैं, IES होते हैं, ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं है जुडिशियल स्टूडेंट के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए, ओके। तो ये AIJS का जो मैटर है काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये राज्यसभा के पास में पावर है, ठीक है, बाकी ये सब लोकसभा के पास में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू कंसिडर इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट को लेकर, ओके सेक्युलर स्टेट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इंडिया का, ये आपको बताना है। और चिन्मय जी पूछ रहे हैं कि ये वीडियो सुटेबल है, तो देखिए वो PSC के लिए, तो चिन्मय जी जितने भी PSCs हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको उन एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे अपनी डेली क्लासेस के अंदर से, ओके। और यहाँ पे कट मोशन पूछा है राज जी ने, तो देखिए कट मोशन होता है जैसे कि अगर बजट पास हुआ है, तो बजट पास के अंदर क्या होता है कि तीन तरह के कट मोशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 लाख करोड़ का है, उसमें से 1 लाख करोड़ का को हमने कट कर दिया कि ये आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको कट मोशन बोलते हैं कि आपने थोड़ा सा पैसे को कट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि सही आंसर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। ज्योति जी का आंसर सही है, ज्योति जसवाल जी का डी बिल्कुल सही आंसर है उनका। देखिए हमने यहाँ पे माइनॉरिटी रिलीजन को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है, इसीलिए हम इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहते हैं। देखिए कोई भी स्टेट अगर में जो मेजॉरिटी है उसको हमेशा स्पेशल पावर रहती है, ओके, और उसी का हमेशा नुकसान होता है किसी भी डेमोक्रेटिक देश को। अगर आप माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दे दो तो क्या होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी एक सेक्युलर डेमोक्रेसी और सेक्युलर देश की तरफ पहुंचती है, और इसी का यही रीज़न है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजन्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखा है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि ओके UPPCS के लिए, तो बिल्कुल ये वीडियोस आपके बहुत बेनिफिशियल है, डेली वीडियो क्लास ज्वाइन करना ना भूलिए, ओके आधे घंटे की क्लास से आपको बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आपके क्लियर होंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और आपको कई सारे ऐसे, चंचल जी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो चंचल जी आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के नीचे बेल आइकन होगा सब्सक्राइब के, वहाँ पे तो वहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो आपको पता ही है कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन, और सभी को मिला के बनता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोरम टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी, यानी राज्य विधानसभा के सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, किसके अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो विधानसभा होती है राज्य विधानसभा वहां पे आपको बताना है, ओके उसके अंदर कितने आपको चाहिए होते हैं कम से कम मेंबर। और देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, ठीक है, वो आपका डी यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 members और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस विच एवर इज मोर। तो या तो 10 member होने चाहिए या फिर 1/10 होने चाहिए टोटल मेंबरशिप के, तब जाके क्या होगा आप मीटिंग को कंटिन्यू रख पाएंगे विधानसभा के अंदर, ओके ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बहुत बार ये सवाल है जो कि स्टेट के PSCs के अंदर, UPSC के अंदर, ओके और कई सारे हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसके अलावा जूनियर लॉ ऑफिसर, कई जगह पे ये सवाल पूछा गया है और बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ।
फ्रीडम ऑफ स्पीच को कब बैन किया जाता है, कब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, किस कंसर्न के अंदर किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, चार ऑप्शंस आपके पास में बिल्कुल आपके सामने अवेलेबल है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा, 19 आर्टिकल 19(1)A के तहत बोला गया है कि आप फ्रीडम है आपके पास में स्पीच की और एक्सप्रेशन की, जो मीडिया को, जो प्रेस को जो पावर मिलती है बोलने की, ओके, वो इसी आर्टिकल से मिलती है। मीडिया को पता ही है आपको, मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया है इंडिया के अंदर राइट नाउ। मीडिया किसी को भी बढ़ा सकता है, किसी को भी कम कर सकता है आज के टाइम पे। तो आर्टिकल 1A से ही उनको फ्रीडम है स्पीच की और एक्सप्रेशन की, इसी वजह से वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, अपना एक्सप्रेशन जारी कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंडिया का सिटीजन क्या कर सकता है, फ्री है एक्सप्रेस करने को लेके अपने व्यूज, अपने बिलीव्स, कन्विक्शन, ओके, किसी भी डर के बिना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कैसे हो सकता है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, आप बोल के कर सकते हैं, राइटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, और किसी भी कम्युनिकेबल फॉर्म के अंदर। तो आपके पास में अधिकार है। अगर आपको डिमोनेटाइजेशन पसंद नहीं आया है तो आप उसको फेवर भी कर सकते हैं या फिर उसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और आपके पास पूरा राइट है देश के अंदर। ओके, अगर कोई इसको प्रेस करने की कोशिश करता है तो वो गलत है, आर्टिकल 19(1) के तहत उसको सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और 19 के बारे में और देख लेते हैं। ए मैंने आपको बता ही दिया, बी के अंदर असेंबली को लेकर है, ओके, आप असेंबली कर सकते हैं, सी के अंदर यूनियन बना सकते हैं, डी के अंदर आप पूरे देश के अंदर घूम सकते हैं, पूरे देश के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बस कोई एरिया क्या ना हो, वहाँ पे अगर कोई स्पेशल परमिट अगर आपको लेनी पड़ेगी आर्मी के द्वारा तो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पूरे देश के अंदर आप फ्रीली घूम सकते हैं। ओके, कैसे कई बार ऐसा कहा गया था कि महाराष्ट्र के अंदर बिहार के लोगों को अलाउ नहीं करना, ऐसे कई बार शिवसेना बाकी लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये टोटली गलत है। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत ये पूरा का पूरा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर आप फ्रीली घूम सकते हैं, पूरे देश के अंदर आप कहीं पर सेटल कर सकते हैं, अगर दो या तीन जगह को छोड़ दिया जाए वहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसके अंदर इंक्लूडेड था, जो कि हटा दिया गया था, इसीलिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं है। 99 साल के लिए आपको लीज पे मिलती है। अगर आपका अभी अपना घर है तो वो आपका अपना नहीं है, वो 99 साल के लिए आपका अपना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वापस से वहाँ की जो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से उसको रेन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो यहाँ पे आंसर था वो यहाँ पे आपका जो आंसर कौन सा होगा, ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर देश की सोवरेनिटी के ऊपर और इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता है तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जाकिर नाइक और ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो कि देश के यूथ को भड़काने का काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा गलत कमेंट करके, तो वो देश की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता है, इसीलिए उनको बैन कर सकते हैं। कई सारे जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो कि इंडिया के अपोज लेक्चर देते हैं, तो वो देश की इंटीग्रिटी को ख़राब कर रहे हैं, तो उन सबको हम बैन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह इस वाले मैटर के ऊपर बैन कर सकते हैं, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर की डिग्निटी के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिग्निटी के ऊपर, इन सब के ऊपर हम बैन नहीं कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपने वोट चाहें तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कंप्लीट जीके सीखनी है फ्रेंड्स, बेसिक से सीखनी है, कंप्लीट एजुकेटेड नॉलेजेबल पर्सन बनना है, तो वाईफाई स्टडी की मदद ले सकते हैं आप, जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है, जी पेन ड्राइव के थ्रू, एसडी कार्ड के थ्रू, ओके, 300 ज़्यादा वीडियोज़ है, तो आप वहाँ से अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स ऐसे ही जुड़े रहिए डेली क्लास में, और काफ़ी कुछ आपको डेली नया सीखने को मिलता रहेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर भी बहुत काम आएगा और एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग।